I'm sure बचपन में कभी ना कभी तो आपने ये चॉकलेट बिस्किट वाला डिजर्ट तो खाया ही होगा। मार्केट में मिलने वाली चीजों को घर पे रिक्रिएट करना मुझे काफी पसंद है एंड आई एम श्योर आपको भी काफी पसंद है। आज मैं अपनी फेवरेट चाइल्डहुड चॉकलेट को घर में रिक्रिएट करने वाली हूँ, आसानी से जो सामान मिल जाता है वो सब यूज करके। चलिए बनाते हैं चोको पाई। इसे बनाना बहुत ही इजी है। टू बी ऑनेस्ट ये रेसिपी एग्जैक्टली चोको पाई जैसी नहीं है, लेकिन इट टेस्ट डिलिशियस। ओरिजिनली चोको पाई के बीच में मार्शमेलो का सेंटर होता है। हम मार्शमेलो का सेंटर तो नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे व्हाइट चॉकलेट गनाश का सेंटर। सबसे पहले हमें व्हाइट चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड में मेल्ट करना है। एक सॉसपैन में पानी बॉयल करने के बाद ऊपर एक बोल में हम चॉकलेट को मेल्ट कर रहे हैं। इसमें हमें पहले डालना है क्रीम, इसे मिक्स कर ले। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क पाउडर। इस मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये काफी लाइट और क्रीमी हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। सो ये हो गई हमारी मार्शमेलो की फिलिंग। अब जो कोटिंग है इसके लिए हम सेम डबल बॉयलर मेथड यूज करके डार्क चॉकलेट या फिर मिल्क चॉकलेट को भी मेल्ट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी इसे कर सकते हैं। चोको पाई को असेंबल करने के लिए सबसे पहले कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट आप ले सकते हैं, जैसे कि मारी बिस्किट। इसे इस तरीके से पहले तो ले आउट कर ले। हमने आज की रेसिपी में 3 लेयर्स यूज किए हैं। वैसे चोको पाई में सिर्फ 2 लेयर्स होते हैं। हर एक लेयर में जो बिस्किट हम यूज कर रहे हैं उसे हमें अच्छे से दूध से ब्रश करना है ताकि इवेंचुअली वो सॉफ्ट और केकी बन जाए। क्योंकि ये बिस्किट्स काफी पतले हैं, हम 3 लेयर बनाएंगे। बिस्किट्स के ऊपर हल्का हल्का सा दूध ब्रश कर ले। बिस्किट ये दूध को अब्सॉर्ब कर लेगा और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। हमने जो व्हाइट चॉकलेट गनाश बनाया है थोड़ा सा वो वाला फिलिंग रखेंगे बिस्किट पे। इस तरीके से इसे सैंडविच करना है। हम बेसिकली 3 लेयर्स बना रहे हैं बिस्किट के और 2 लेयर्स फिलिंग के। इस तरीके से सैंडविचेस क्रिएट करने हैं। ओरिजिनली जो चोको पाई होता है उसमें एक बिस्किटी केकी लेयर होता है, बेसिकली इसके 2 लेयर्स होते हैं और बीच में होता है मार्शमेलो। अब यूजुअली जो मार्शमेलो मिलता है या घर में बनाते हैं उसमें जेलेटिन होता है जो नॉन वेजिटेरियन है, एंड आई एम अ वेजिटेरियन इसलिए हम मार्शमेलो यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप मार्शमेलो खाते हैं तो आप इसमें मार्शमेलो यूज कर सकते हैं। सो ये सिंपल मेल्टेड चॉकलेट है, इसमें कोई क्रीम बटर कुछ भी नहीं डाला है। जो हमारा बिस्किट का स्टैक है इसे हम चॉकलेट में कोट कर लेंगे। इसे कम्प्लीटली कवर कर देना है। आप अगर एक फोक यूज करेंगे तो जो एक्सेस चॉकलेट है वो सारी की सारी नीचे ड्रेन ऑफ हो जाएगी। एक ट्रे पे इसे ट्रांसफर कर लें। यहाँ पे ट्रे पे नीचे मैंने बेकिंग पेपर लगाया है। इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें रेफ्रिजरेट करना है। दिख रहा है ना बिल्कुल चोको पाई जैसा। वेल, मैंने आपको कहा था कि घर में अवेलेबल सामान से या फिर जो सामान आसानी से मिल जाता है वो यूज करके हम इसे बनाएंगे, एंड आई केप्ट माई प्रॉमिस। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आए और आप इसे जल्द ही ट्राई करेंगे। कमेंट्स में मुझे बताइए कि ऐसे और कौन से चॉकलेट या फिर मार्केट वाले रिक्रिएशंस आप देखना चाहते हैं। और आज की अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।